हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के हमारे जो सभी दर्शक गण हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, वो मासिक राशिफल के विषय में है, मंथली राशिफल। और ये जो मंथली राशिफल है, ये जुलाई 2021 का है। तो अभी इस कार्यक्रम में जो मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, जो सिंह राशि के जातक हैं, जिनका लियो साइन है, उनके राशिफल के विषय में चर्चा होगी, मासिक राशिफल के। और सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर के, कि ये जो जुलाई का महीना है, आपके प्रोफेशन को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। देखिए, आपका जो दशम भाव, जो करियर का हाउस होता है, उसके लॉर्ड शुक्र हैं। और शुक्र जो हैं, वो अपने समग्रह मंगल के साथ, जो कि मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, उनके साथ द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और आपके जो करियर का जो हाउस है, टेंथ हाउस, दशम भाव, उसमें राहु बैठे हुए हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो स्थिति है ग्रहों की, ये किस ओर इशारा करती है, आपके जो कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम आपको मिल सकते हैं जुलाई में, इसकी बात हो रही है आपके साथ। तो देखिए, परिणाम तो कुल मिलाकर के अच्छे ही मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि राहु वहां पर विराजमान है, अपने मित्र के घर में है। तो स्थिति तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और उन यात्राओं में थोड़ी आपको परेशानियां भी आएंगी, परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। यात्राएं तो होंगी, लेकिन यात्राओं के समय पर आपको, यात्रा करने से पहले, मान लीजिए कहीं अगर विदेश जाना है तो वीजा मिलने में प्रॉब्लम, या इसी प्रकार की कुछ और समस्याएं, तो ये कुछ इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी और आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, करनी पड़ सकती हैं। बाकी आपका जो मैं देख पा रहा हूं कि माह के मध्य से जो आपका कार्य क्षेत्र है, व्यवसाय, उसमें परिस्थितियों में और अधिक सुधार आपको होता दिखाई देगा महामध्य के उपरांत। और कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या आपकी कोई पदोन्नति हो जाए, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, महामध्य से माह के अंत के बीच में। तो कुल मिलाकर के जो मैं देख पा रहा हूं, आपके प्रोफेशन में किसी प्रकार की मुझे कोई विशेष समस्या नजर नहीं आती है, चीजें चल रही हैं और चलती रहेंगी आराम से। और हां, इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि जो चीजें सब स्मूथ चल रही हैं, चलती रहेंगी, और महामध्य से कुछ और ज्यादा उसमें प्रोग्रेस होगी, कुछ और बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको, इसमें आपका अपना स्वयं का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत विशेष रहने वाला है। स्वयं के कॉन्ट्रीब्यूशन से, अपने ज्ञान बुद्धि के बेस पर आप चीजों को अपने नियंत्रण में कर पाएंगे और वहां पर सक्सेस हासिल कर पाएंगे और टारगेट्स अचीव कर पाएंगे, रिजल्ट्स आप ले पाएंगे अपने ज्ञान के कारण, जो आपका टैलेंट है उसके वजह से ये सब पॉसिबल होगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति है। अब बात करेंगे आपसे आपके धन के विषय में। धन के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, जो धन की स्थिति है, वो आपके माह के आरंभ से और माह के मध्य तक, कह सकते हैं कि माह के मध्य तक क्या, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 20 जुलाई तक समझ के चलिए, मान करके चलिए, माह के आरंभ से आपको धन का आगमन विशेष रूप से रहने वाला है।
बहुत आराम से आपको धन की स्थिति आपकी, आप काफी कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, धन का ठहराव होगा आपके हाथ में। हाँ, 21 तारीख के बाद से आपके जो धन की स्थिति है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। बदलाव इस रूप में आएगा कि या तो धन का, या आप 21 जुलाई के बाद आप अपने धन का व्यय ज़्यादा कर पाएंगे, करेंगे, मतलब कुछ ऐसी जगहों पर होगा जहां आप ना चाहते हों, और धन का संचय भी 21 जुलाई के बाद से पॉसिबल नहीं लग रहा कि आप कर पाएं ढंग से। इससे पहले आप अपना कहीं अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं लंबी अवधि के लिए लगाना है, कोई सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, आय भी और सेविंग्स भी। लेकिन सेविंग्स आपकी या आय जो भी है वो 21 जुलाई से और माह के अंत तक मुझे प्रभावित नजर आती है, तो इस बात का रखिएगा आप विशेष ध्यान। और आगे अब चर्चा होगी आपके साथ प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के विषय में, कि आप सिंह लग्न के जो जातक हैं, सिंह राशि के, उनके प्रेम संबंधों को लेकर के कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं क्या ग्रहों की, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा। देखिए, इस जुलाई के महीने में ग्रहों का दूर दूर तक भी इस प्रकार का कोई इशारा नहीं है कि आप कोई एफर्ट करें अपने फीमेल या मेल मित्र के साथ लव अफेयर्स के लिए और उसमें आपको कुछ सक्सेस मिल जाए, इस प्रकार का योग नहीं है। ग्रहों का इशारा बिल्कुल ये है कि अगर आप कोई एफर्ट करेंगे भी तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। और जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपने रहना है सचेत, उनका रखना है ध्यान, क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि आपका जो जीवन साथी है उसको शारीरिक समस्याएं बन सकती हैं, इस बात की प्रबल संभावना है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, तो पारिवारिक संबंधों का भी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, पारिवारिक जो संबंध है वो बहुत बढ़िया तो नहीं रहेंगे माह के आरंभ से जुलाई में, ऐसे तो नहीं रहे, बहुत कॉर्डियल रिलेशन तो नहीं रहेंगे, हाँ सामान्य रहेंगे, लेकिन 21 जुलाई से ये संबंधों में थोड़ी खटास पैदा हो सकती है माह के अंत तक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो छात्र हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये माह उनकी शिक्षा को लेकर के, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, माह के मध्य तक मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, थोड़े कभी बेटर आ गए, कभी नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कुल मिला करके सेटिस्फैक्ट्री परिणाम रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे कि चलो ये भी मिल गए, ठीक है। और 21 जुलाई के बाद से आपके परिणामों में कमी आएगी शिक्षा से संबंधित, छात्रों की बात हो रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। संतान की बात करें, संतान संबंधित माता पिता को कैसे परिणामों की प्राप्ति होगी, तो मैं बताना चाहता हूं कि माह के आरंभ से लेकर और माह के 20 जुलाई तक आपको अपनी संतान के द्वारा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी, बल्कि मिले जुले से भी अगर मैं कुछ ऊपर जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, कुछ और अच्छे परिणामों की आप अपेक्षा कर सकते हैं, यानी कि सामान्य रूप से परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और 21 जुलाई के बाद थोड़ा सा उनमें आपको कमी का एहसास होगा, कहीं ना कहीं कुछ कमी, कि भाई कुछ संतान के द्वारा कुछ कमी है, उनके द्वारा जो परिणामों की प्राप्ति हो रही है कहीं ना कहीं कुछ परिणाम प्रभावित है, ये इस ओर भी ग्रहों का इशारा है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, देखिए स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से नीचे ही रहेगा, ये भी बता दूं, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी विशेष सफलता का कोई योग नहीं है जुलाई के महीने में। और जहां तक इस बात का प्रश्न है, शत्रु भी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, बिगाड़ तो आपका कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
तो मैंने आपको स्वास्थ्य का बताया, शत्रुओं से संबंधित बता दिया, और आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से संबंधित भी बता दिया। लेकिन आपको स्वास्थ्य को लेकर के अपने सच मतलब बहुत ही सचेत रहना है, सजग रहना है, कॉशियस रहना है। प्रभावित होगा जरूर स्वास्थ्य आपका, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए। अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा, उपाय क्या करने हैं। देखिए, मंगल का उपाय करते रहिए 20 जुलाई तक। हनुमान जी के, जो मैंने पिछले माह बताया था आपको कि आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बेसन के लड्डू का या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, सिंदूर का चोला भी चढ़ा सकते हैं, वहीं बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, ये सब करके आरती कर सकते हैं बाबा जी की, हनुमान जी की। और बुधवार के दिन गणपति जी के श्री चरणों में पान का पत्ता और 2 मोतीचूर के लड्डू भेंट करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, केसर का तिलक माथे पर प्रतिदिन लगाएं। और शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जला के आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों का राशिफल। आपको पसंद आया है साथियों, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे नए वीडियोस के कार्यक्रम हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।